कुतुब मीनार में पूजा की मांग को लेकर दायर हिंदू पक्ष की याचिका का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई ने विरोध किया है और एएसआई ने साकेत कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा है कि कुतुब मीनार की पहचान बदली नहीं जा सकती। दरअसल दिल्ली की साकेत कोर्ट में कुतुब मीनार परिसर के अंदर हिंदू और जैन देवी देवताओं की बहाली और पूजा के अधिकार की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है। वहीं याचिका का दावा किया गया है कि कुतुब मीनार परिसर में हिंदू देवी देवताओं के कई मूर्तियां मौजूद हैं। वहीं इस याचिका पर एएसआई ने अपना जवाब साकेत कोर्ट में दाखिल किया है। एएसआई ने कहा है कि कुतुब मीनार को 1914 से संरक्षित स्मारक का दर्जा मिला है और एएसआई ने कहा है कि कुतुब मीनार की पहचान बदली नहीं जा सकती, ना ही अब स्मारक में पूजा की अनुमति दी जा सकती है। दरअसल संरक्षित होने के समय यहां कभी पूजा नहीं हुई है और एएसआई ने कहा है कि हिंदू पक्ष की याचिकाएं कानूनी तौर पर वैध नहीं हैं। साथ ही पुराने मंदिर को तोड़कर कुतुब मीनार परिसर बनाना ऐतिहासिक तथ्य का मामला है और अभी कुतुब मीनार में किसी को पूजा का अधिकार नहीं है और जब से कुतुब मीनार को संरक्षण में लिया गया तब से यहाँ कोई पूजा नहीं हुई है और ऐसे में यहाँ पूजा की अनुमति नहीं दी जा सकती। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए कोबरा पोस्ट हिंदी को सब्सक्राइब करें और अलर्ट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और हाँ दोस्तों, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।